राम राम किसान भाइयों, आज बात करेंगे जेयू के एक फंगीसाइड जोड़िया के बारे में, जो कि एजेक्स्टोबिन 11% प्लस टेबिकोनाजोल 18.3% SC फॉर्मुलेशन में आता है। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है, जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के कवक रोग जनकों और बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं। इस फफूंदनाशक में उत्कर्ष निवारक और उपचारात्मक गुण, जो इसे बहुमुखी प्रतिभा और अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान कराता है। यह अपनी दोहरी क्रिया के कारण कवक के विकास के कई चरणों में कार्य करता है, साथ ही उपज और गुणवत्ता में वृद्धि करके लागू फसल की शारीरिक गतिविधि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की चमक और कीमत दोनों अधिक हो जाती है। आइए किसान भाइयों, एजेक्स्टोबिन और टेबुकोनाजोल दोनों को अलग अलग जानते हैं। एजेक्स्टोबिन एंटीफंगल प्रभावों के साथ एक प्रणालीगत कवकनाशी है। एजेक्स्टोबिन इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में हस्तक्षेप करके माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन को रोकता। टेबुकोनाजोल एक डाइमिथाइलेज इनहिबिटर है, कवक कोशिका दीवार निर्माण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, साथ ही कवक के उत्पादन को बढ़ने से रोकता। यह एक प्रणालीगत कवकनाशी होने के कारण बीमार पौधे और निवारक दोनों को नियंत्रित कराता है। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कौन कौन से रोगों पर कर सकते हैं। फलों का सड़ना, खस्ता फफूंदी, डाई बैग, पीला रतवा, शीत ब्लाइट, अगेती और पछेती ब्लाइट, समय से पहले पत्ते गिरने की बीमारी। इस फसल में उपयोग कर सकते हैं मिर्च, प्याज, आलू, टमाटर, अंगूर, चावल, आम, गेहूं, सेब आदि अन्य फफूंद रोगी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए फसल रोग अनुसार मात्रा को जानते हैं। तो किसान भाइयों, मात्रा लगभग हर फसल के लिए समान रहती है, 300 ml प्रति एकड़। और किसान भाइयों, इस फफूंदनाशक का छोटे से लेकर बड़े तक सभी पैक ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है। आपको जिसकी भी जरूरत हो, अपनी जरूरत अनुसार आप ले सकते हो। तो इसी प्रकार किसान भाइयों, आज हमने बात की एजेक्स्टोबिन 11% प्लस टेबिकोनाजोल 18.3% SC फॉर्मुलेशन में आता है। किसान भाइयों, यह फफूंदनाशक आपको मार्केट में अलग अलग कंपनियों की तरफ से दिखेगा। अगर किसान भाइयों आपको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आपको वीडियो बनाकर जरूर देंगे। अगर किसान भाइयों वीडियो में बताई गई जानकारी उचित और सही लगी हो और आपकी जरी सी भी मदद हुई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।